अस्सलाम वालेकुम यार, बैक एंड व्लॉग तो काफ़ी दिन हो गए हैं, मेरा व्लॉग श्लाग नहीं आ रहा है आपके पास। तो यार आपका भाई बिजी बहुत हो गया, 12 बजे उठना होता है रहा, सारी मूवीज़ देखने होती है, जो मूवीज़ देखता हूँ आपको क्लिप भी जो है ना स्टेटस पे वो जो शॉर्ट्स में है वो अपलोड कर देता हूँ, जो भी मूवीज़ देखता हूँ। तो आपका भाई बिजी इसलिए हो गया कि 12 बजे से उठता है, नहाता धोता है, और भाई जो है ना आजकल लेबॉर्ट्री शुरू की है, अभी मैं लेबॉर्ट्री में हूँ तो लेबॉर्ट्री शुरू की है, और दूसरा जो है रात को जो है ना जिम ज्वाइनिंग कर लिया। दूसरा बंदा यार यही कहता था कि यार मारा हो जाना, तो मैंने सोचा यार जिम ज्वाइन करें, थोड़ा सा जो मसल था ना थोड़ा सा साइज बड़ा कर लें, कोई खुश हो जाए यार के मतलब कि है भाई की पर्सनैलिटी कर सी यार। तो और जो है ना आपको मैं सोच रहा हूँ यार, अब टाइम तो इतना होता नहीं है कि ब्लॉगिंग वाइड जाके जो है ना फनी मोमेंट्स जो कैप्चर कर सकूँ। तो यार मेरा सीन यही है कि जो अब लेबॉर्ट्री में आ रहा हूँ ना, अगर आप चाहते हैं कि जो मतलब कि मैं लेबॉर्ट्री में कर रहा हूँ जो जो चीज़ें भी हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड सैंपलिंग वगैरह टेस्ट जो भी मैं लगाता हूँ, अगर वही वीडियोस आपको मतलब कि मैं सेंड अपलोड करा करूँ तो आपको कैसी लगेंगी आप कमेंट में लाजमी बताएं। यार जो भी मेरी वीडियो देखते हैं ना भाई, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और लाजमी कमेंट कर दिया करें यार, इससे लग्जरी मुझे मिलती है कि यार कोई देख भी रहा है सीन जो भी है। तो अभी जो है ना मैं लेबॉर्ट्री में हूँ, तो आपने अगर देखना लेबॉर्ट्री में जो भी चीज़ें हैं तो आपको दिखाता हूँ। यार आपके भाई का एसी भी चला हुआ है, फुल सीन है यार, देखो एसी शेसी चला हुआ है, जो भी सीन है आपको दिखा। देखें भाई जान ये लेबॉर्ट्री है हमारी, ये देखें ये चीज़ें वगैरह हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ पे आ जाएं, ये है जी CBC, जो ब्लड के जो भी चीज़ें होती हैं जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट सेल, HB जितनी भी है, इस पर चेक हम करते हैं। यहाँ पर इसे रख के ना सैंपल को, सैंपल आपको दिखाता हूँ, ये भाई सैंपल है, यहाँ पे सैंपल रखा है, ऐसे रोटेट होगा, जब ये रोटेट हो जाएगा 2-3 चलो 1 मिनट ही चलो हो जाए तो कोई मसला नहीं। फिर जो है ना यहाँ पे हम नाम लिखते हैं जो जिस जो इसका जो भी, ये देखें जैसे ये नाम लिखा हुआ है ना, ऐसे इधर नाम टाइप करके ना फिर CBC यहाँ पर मतलब कि हम पिला देते हैं और यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है, ये सीन है। इसके बाद ये आ गया जी माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप पे आप जैसे सीमन वगैरह हो गया, जो यूरन मतलब के सैंपल, थोड़ा यूरन वैसे तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इस पर ज़्यादातर जो है ना सीमन वगैरह का टेस्ट जो है ना यहाँ पे चेक करते हैं। और ये है माइंड ड्रिल है, इसमें भला क्या चीज़ें हैं यार, जो हम टेस्ट वगैरह लगाते हैं ना इसमें जो बढ़ते हैं, ये जैसे ये बड़ा हुआ है, LT बड़ा हुआ है, तो इसमें जो हम सीरम डालते हैं जो ब्लड का आता है, जैसे ये देखें ये सीरम है ऊपर वाला, ये जो आ रहा ना येलो टाइप, ये है जी सीरम। तो इसमें हम डालते हैं जितना डालना हो, ये पिपट है इसके ज़रिए हम डालते हैं। तो फिर इसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करके ना ये जैसे ये GLU लिखा है, ये ग्लूकोज है जी, ये शुगर जिसे कहते हैं, फिर ये सैंपल पिला के जब हम पिला देते हैं तो रिज़ल्ट आ जाता है, यहाँ पे रिज़ल्ट आता है, जैसे ये रिज़ल्ट आया हुआ 213, ये रिज़ल्ट आ जाता है जी, ये है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है जी, इसमें हम ये सैंपल वगैरह ऐसे रख के ना इसके अंदर रखते हैं, दो मतलब के लेवर का रखना होता है, एक ये सामने एक यहाँ पे, इधर रखना होता है, दो रखने होते हैं। फिर इसे जो है ना यहाँ से चालू करते हैं मतलब के चलाते हैं, तो चला के जो है ना भाई ये 2-3 मिनट जो है ना चलने देना होता है। फिर ये जो येलो ये ऊपर सीरम आता है ना, ये सीरम इसकी वजह से आता है, इसकी हम इसे यूज़ करते हैं सीरम निकालने के लिए। ठीक हो गया भाई जान, और बकाया ये देखें, ये टेस्ट वगैरह पड़े हुए हैं, ये भाई जान ये देखें, ये है जी ESR, इसमें हम ESR लगाते हैं, ब्लड रख देते हैं, आधा घंटा ब्लड रखना होता है, इसमें पता चलता है ब्लड में इन्फेक्शन है या नहीं। तो ये है जी, ये यूरिन कंपोनेंट स्टिक है जी, ये चीज़ होती है, आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखें जी, ये है जी, ये यूरिन कंपोनेंट स्टिक है जी, हाँ जी, ये भाई जान ये कंप्यूटर और प्रिंटर वगैरह है, इसमें जो है ना हम टेस्ट वगैरह की स्लिप निकालते हैं, कोड निकालते हैं, ये फ्रिज भी है जी, अच्छा जी भाई जान। अब जो है ना आप लोग मुझे बताएं कि मुझे ब्लॉगिंग जो है ना थोड़ी सी मुश्किल लग रही है क्योंकि बिज़ी आजकल लाइफ चल रही है। तो अगर देखा जाए तो अगर आप चाहते हैं कि मैं जो भी लेबॉर्ट्री में कर रहा हूँ अगर वही आप लोगों को दिखाऊँ तो आपको कैसा लगेगा, आप कमेंट में लाजमी मुझे बताएँ कि मुझे ये करना चाहिए ये सीन या नहीं।